नाउ अब आते हैं एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन एंड बाइसेक्टर एंगल बिटवीन टू लाइन, है ना। मतलब हमें क्या करना है, एंगल बिटवीन टू लाइन कैलकुलेट करनी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमको बताना है कि जो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है, वो हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर, चलो आते हैं। तो सबसे पहले सपोज दैट एक लाइन हमारे पास ये, दूसरी लाइन हमारे पास ये, दिस इज L1 एंड दिस इज L2। तो इसकी स्लोप हमारे पास M1 हो गई और इसकी स्लोप हमारे पास M2 हो गई। तो इनके देखो ये जो लाइन है इनके बीच दो एंगल सब्सटेंड हो रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। दोनों लाइन के बीच एंगल है, तो हम किसी को भी ले सकते हैं यहाँ पर, समझाएंगे कैसे। तो फॉर्मूला हमेशा जो एंगल लेना है हमको एक्यूट वाला लेना है। तो फॉर्मूला लग जाएगा tan phi equals to m1 minus m2 upon में 1 plus m1 m2 बस, और यहाँ पर लगा दो मॉड, जिससे क्या होगा कि माइनस आता भी है तो उसको एक्यूट बनाने के लिए मॉड लगा दिया, जिससे पॉजिटिव हो जाए तो एंगल हमेशा कैसा रहेगा, एक्यूट रहेगा। क्लियर। अच्छा यहाँ पर अगर हमने tan phi, phi की वैल्यू 0 degree रख दी तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा m1 equal m2। तो इसका मतलब ये है कि अगर दो लाइन की स्लोप बराबर है तो उसकी जो कंडीशन हो गई वो दोनों लाइन कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। एंड इफ m1 into m2 equal -1 है तो उसमें l1 परपेंडिकुलर l2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर दो लाइन पैरेलल है तो डेफिनेटली उनकी जो स्लोप होगी वो इक्वल होगी, और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप कैसी होगी, निगेटिव होगी, मतलब उनका प्रोडक्ट क्या होगा, -1 के बराबर होगा। क्लियर है। चलिए नाउ यहाँ पर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन ही है हमारे पास, y = 3 एंड y = √3x + 9। तो बेटा इसकी जो स्लोप है वो हमारे पास 0 है और इसकी जो स्लोप है वो √3। तो फॉर्मूला हमने ये वाला लगाया, तो tan phi equal m1 minus m2 0 minus √3, मॉड लगा तो प्लस हो ही जाना है, अपॉन में 1 प्लस ये होता है कि 0, तो 1 आया, कितना आया √3। तो phi equal कितना आ गया, 60 degree, ठीक है। तो मतलब phi by 3 या 60 degree, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो इस तरीके आपको क्या करना है, दो लाइन के बीच एंगल अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्लियर, ओके। नाउ इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, मतलब दो लाइन है उन्होंने एक दूसरे के बीच में कुछ ना कुछ एंगल सब्सटेंड किया है और उस एंगल का हमने बाइसेक्टर खींचा, तो उस बाइसेक्टर की जो इक्वेशन आएगी, मतलब कोण समद्विबाहक विभाजक जो आएगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, मतलब ऐसे L1 L2। अब ये हमारे पास इसका एंगल हो गया, ये बाइसेक्टर, तो इसकी इक्वेशन हमको निकालनी है, ठीक है। सेकंड, अच्छा ये एंगल है तो ये भी तो एंगल हो सकता है, तो इसका बाइसेक्टर ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अब सपोज दैट इसकी इक्वेशन थी हमारे पास ax a1x + b1y + c1 = 0 और इसकी इक्वेशन थी a2x + b2y + c2 = 0। तो इस एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आएगी हमारे पास a1x + b1y + c1 √a1² + b1² = ± ये हो जाएगा a2x + b2y + c2 √ के अंदर a2² + b2² बात समझ आ गई। तो ये जो इसको जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा। अच्छा ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा अपने दूसरे माइंड ऑफ मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो क्या हो सकता है कि दो लाइन है, ठीक है। अगर हमने दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, समझे ध्यान से, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो ये वाला पॉइंट होगा और ये डेफिनेटली इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, और ये जो लाइन होगी ये चार ऑप्शन ही तो होंगे, है ना। अब किसी एक लाइन को सेटिस्फाई करने वाले केवल एक ही पॉइंट होगा, ऐसा तो है नहीं कि वो लाइन एक से ज्यादा पॉइंट के लिए सेटिस्फाई हो जाएगी। हाँ हो सकती है अगर वो वाई इक्वल एक्स टाइप की लाइन है तो, ठीक है, सिमेट्रिक लाइन है तो, बट यहाँ पे तो सिमेट्री बन नहीं रही। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि हम क्या करें, चार ऑप्शन हमारे पास, हमने दोनों इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन थी दोनों को सिंपलीफाई किया, उससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने चार ऑप्शन में रख दिया, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा कि जैसे हम उसमें रखेंगे तो हमारे पास किसी न किसी एक ऑप्शन को सेटिस्फाई कर जाएगा, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम फॉर्मूला नहीं भी याद रखते तो हम इस अप्रोच को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में आते हैं और दोनों अप्रोच के साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करें। इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन x + 2y - 11 = 0 एंड दूसरी लाइन है हमारे पास 3x - 6y - 5 = 0, ठीक है। तो अब इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी एंगल विच कंटेन द पॉइंट 1, -3। ये तो बहुत आसान हो गया हमारे पास, 1, -3 विच कंटेन 1, -3। तो एक बार एक काम करते हैं, पहले देख लेते हैं क्या ये 1, -3 इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा, इस पॉइंट को इसमें रख देते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 1
ये हो जाएगा हमारे पास कितना 6 माइनस 6 1 माइनस 6 कितना हुआ नहीं ठीक नहीं है नहीं 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 ओके ओके ठीक तो हम क्या करेंगे इन दोनों को सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ठीक है तो चलिए करते हैं तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं यहां पर तो ये बन जाएगा 3x एंड प्लस 6y माइनस ऑफ 33 इक्वल 0 और ये हमारे पास है 3x माइनस ऑफ 6y एंड माइनस ऑफ 5 इक्वल 0 ठीक है ओके अगर दोनों को ऐड कर देते तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 6x इक्वल माइनस का 38 प्लस का 38 हो जाएगा ना तो x इक्वल आ जाएगा 19/3 अभी x की वैल्यू हमने इसी लाइन पर रख दी तो हमारे पास y मिल जाएगा तो ये हो जाएगा y इक्वल आएगा बेटा माइनस x प्लस 11/2 x की वैल्यू रखी हमने 19/30 सो माइनस 19/33 प्लस 11/2 ये 33 हो गया तो जो भी है ये हमारे पास y आ जाएगा और x y जो हमारे पास आए हैं इनको आप ऑप्शन में रखेंगे ठीक है जिस पर सेटिस्फाई हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है या फिर हम क्या करें सीधे सीधे हमारे पास जो पर्टिकुलर ऑप्शन फॉर्मूला था उसको आप अप्लाई कर लो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ठीक है चलिए नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पर ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन ठीक है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट ठीक मुख्य है ठीक है कि क्या है कि हमारे पास सपोजर एक लाइन है ठीक है ये हमारे पास ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 एक लाइन है और ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट p है जिसके कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा है तो इससे हमने इसे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये जो परपेंडिकुलर की लेंथ है ये निकालनी है तो l इक्वल हो जाता है इसके लिए a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c अपॉन में रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगर यही परपेंडिकुलर हमने ओरिजिन से पास किया है फ्रॉम 0,0 उस केस में L इक्वल आ जाएगा C अपॉन रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बिकॉज 0,0 जैसे ऊपर पुट करोगे तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 0 तो क्या बचेगा C अपॉन रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अब इस फॉर्मूले का यूज हम करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन निकालने में कैसे कैलकुलेट करते हैं देखो ध्यान से समझो देखो सपोज दैट ऐसा है ये हमारे पास y ये x हो गया ये एक लाइन ये है दूसरी लाइन ये है ठीक है अब ये दोनों लाइन अगर पैरेलल नहीं है तो उनके बीच के हम डिस्टेंस को कैलकुलेट नहीं कर सकते तो कैसे करें यहां से हमने क्या किया इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये हमारे पास लेंथ हो गई L1 ठीक है फिर हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये हमारे पास लेंथ हो गई L2 और बीच की जो डिस्टेंस थी वो हमारे पास d हो गई तो d बराबर फार्मूला लग गया L1 डिफरेंस ऑफ L2 वो देख लेंगे जो बड़ा होगा उसको छोटा को कर देंगे तो भाई ये कर देंगे भाई बाहर लगा देंगे मोड तो ये हो जाएगा d बराबर c1 - c2 अपॉन में रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहां पर मोड ठीक है इस फॉर्मूले का यूज करके डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन निकालेंगे अच्छा ये c1 c2 क्या है तो इसकी इक्वेशन हमारे पास है ax plus by plus c1 equal 0 और दूसरी है ax plus by plus c2 equal 0 ठीक है तो यहां से d बराबर क्या आ जाएगा c1 minus c2 upon root over a square plus b square अच्छा एक बात और समझना है कि अगर हमारे पास बेटा दो लाइन हो a1x a1x plus b1y plus c1 equal 0 and a2x plus b2y plus c2 equal 0 और अगर इसमें ऐसा है इफ a1 upon a2 equal b1 upon b2 equal c1 upon c2 है तो इसका मतलब जो लाइन बनेगी कोइंसिडेंट लाइन बनेगी कोइंसिडेंट लाइन मतलब संपाती रेखा है कैसी रेखा है संपाती ठीक है संपाती क्या बोलेंगे इसको संपाती मतलब एक ऊपर एक ऐसे कोइंसाइड कर जाएगी ठीक है अगर हमारे पास a1 upon a2 equal है b1 upon b2 but does not equal है c1 upon c2 तो उस केस में दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी अगर हमारे पास a1 upon a2 does not equal b1 upon b2 and does not equal c1 upon c2 है ये बराबर हो भी सकता नहीं भी हो सकता है तो उसके लिए दोनों लाइन कैसे हो जाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी और अगर बेटा ऐसा है कि a1 a2 plus b1 b2 बराबर 0 है तो उसके लिए दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो जाएंगी एक दूसरे के 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं ठीक है तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं इनको भी आपको याद रखना है दो लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों लाइन कैसी होनी चाहिए हमेशा पैरेलल होनी चाहिए क्लियर चलिए अब ये था कंसेप्ट अब इससे रिलेटेड दो चार क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे चलिए तो आते हैं क्वेश्चन पे क्या कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द लाइन 3x + 4y = 9 3x + 4y = 9 एंड दूसरी लाइन से मेरे पास 6x + 8y = 15
अब इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है, तो बेटा डिस्टेंस निकालेंगे, इनके कोफिशिएंट आपस में बराबर होने चाहिए, तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, इसलिए 2 कॉमन कर लें, तो ये बन जाएगा 3x plus 4y equal 15 by 2. अब ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, d बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, c1 minus c2, तो 15 बटे 2 minus 9 बटे root over a square plus b square, तो 9 plus 16, तो ये आ जाएगा 18 minus 3 बटे 2, सो पॉजिटिव हो जा रहा है, सो 3 बाई 2 अपॉन में 5, तो कितना हो गया 3 बाई 10, तो इस तरीके हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, क्लियर? चलिए और क्वेश्चन ऐसे में कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 3, 1 टू द लाइन 4x + 3y + 20 = 0, लाइन क्या हमारे पास 4x + 3y + 20 = 0, ठीक है, और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है कहां से, 3, 1 से, तो इसकी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर l इक्वल हो जाएगी, इस पॉइंट को रख दो, तो चाहते हैं 12 3 15 और ये हो गया कितना, मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 3, 1, ठीक है, तो ये हो गया 12 प्लस 3 प्लस 20 अपॉन में रूट ओवर ए स्क्वायर 16 और प्लस ये 9, तो ये हो गया कितना 12 3 15, ये हो गया हमारे पास 35 बटे 5, तो कितना आ गया 7 यूनिट, ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट कितना था 3, 1 टू द लाइन 4x + 3y + 20 = 0, दैट इज 7 यूनिट, क्लियर, तो ये भी कांसेप्ट हमारा यहां पे कंप्लीट. So today we are going to discuss about the image point. ठीक है, तो अगर इमेज पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो किसी भी लाइन के रिस्पेक्ट में जब हम कभी किसी भी पॉइंट की इमेज कैलकुलेट करते हैं, तो सपोज दैट जैसे हमने ले लिया, ये हमारे पास कोई लाइन होगी ax plus by plus c equal 0, ठीक है, अब ये हमारे पास कोई पॉइंट p हो गया जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास है अल्फा कॉमा बीटा, है ना, अब इसकी इमेज पॉइंट निकालेंगे, तो इसको हम एज अ मिरर ट्रीट करेंगे, ठीक है, ये हमारा एक मिरर हो गया, तो इसकी इमेज जो बनेगी वो इतनी डिस्टेंस पर, जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी डिस्टेंस पर इमेज बन जाएगी, है ना, इसको हमने बोल दें कि ये एच कॉमा के, ठीक है, तो अब ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द गिवन पॉइंट, है ना, ये हमारे पास क्या हो गया इमेज पॉइंट, ठीक है, अब ये जो इनका मिड पॉइंट होगा, बिकॉज ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी, तो ये मिड पॉइंट बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं फूट ऑफ परपेंडिकुलर, फूट ऑफ परपेंडिकुलर और पैडल पॉइंट, क्या बोलेंगे इसी को, पैडल पॉइंट, ठीक है, अब इमेज पॉइंट निकालने के जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, एच माइनस अल्फा अपॉन में ए, ठीक है, एच क्या हमारे पास जो हमें निकालना है, अल्फा बीटा क्या है, गिवन पॉइंट है, एच माइनस अल्फा अपॉन ए इक्वल के माइनस बीटा अपॉन में बी इक्वल माइनस टू, ये हो गया ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी होल प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला लगाएं किसके लिए, इमेज पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, अब अगर हमको यहां पे फूट ऑफ परपेंडिकुलर या पैडल पॉइंट निकालना है, तो पैडल पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल सिमिलर है इसी के तरीके, क्या हो जाएगा, एच माइनस अल्फा अपॉन ए इक्वल के माइनस बीटा अपॉन में बी इक्वल माइनस, ये हो जाएगा ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी होल बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बस एक टू यहां से हट जाएगा, यहां पे जो टू लगा हुआ है यहां पे रिमूव कर दो, तो जो हमारे पास फॉर्मूला निकलेगा दैट विल बी द पेडल पॉइंट, ठीक है, अब इस पेडल हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पे, ठीक है, क्वेश्चन क्या हमारे पास, ये आपके प्रैक्टिस शीट में ही है, इमेज पॉइंट क्वेश्चन है, पॉइंट हमारे पास गिवन है 3, 8, ठीक है, और जो हमारे पास लाइन 3x plus 4y minus 5 equal 0, ठीक है, अब हमको इसका इमेज पॉइंट निकालना है, तो इमेज पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहां पर ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ए बी सी, ठीक है, h कॉमा के हमने इमेज पॉइंट लेकर लिया यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा h माइनस अल्फा, सो दैट इज 3 अपॉन में a, है ना, सो कितना है 3, k माइनस बीटा, सो k माइनस 8 होल बाय b, सो 4 इक्वल माइनस 2 a अल्फा, है ना, सो ए अल्फा दैट इज 6, 9 प्लस बी बीटा प्लस 32, ठीक है, प्लस सी, सो माइनस ऑफ 5 होल बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25, ठीक है, ये 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, सो दैट विल बी 25, क्लियर है, अब यहां से मैं इसको कैलकुलेट कर लिया, सो ये होगा, ये 4 into 32 होगा, है ना, तो ये बन गया हमारे पास कितना, ए अल्फा 3, 3 9 प्लस बी बीटा
ठीक है, 3.8 माइनस 3, ओके। सो ये हो गया मेरे पास 36, है ना, 30, ये बचा 4 और ये 36, हाँ। सो माइनस 2 इंटू 36 बाय 25, ठीक है, माइनस 3 अपॉन में 3 इक्वल के माइनस 8 बाय 4, ऐसे कर दिया हमने। अब इसको इसके साथ इक्वेट कर लो और इसको इसके साथ इक्वेट कर लो, है ना, तो हमारे पास एच और के मिल जाएंगे, ठीक है। ये तो था बेसिक प्रोसेस जो हमारे पास हमने बेसिक में पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूले के यूज करके एटलीस्ट हमारे पास 2 मिनट हमें इसमें खर्च करने पड़ेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, जिसमें फॉर्मूले की नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, विदाउट फॉर्मूले इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो देखेंगे। जो हमारे पास लाइन है वो क्या है, लाइन की इक्वेशन 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल 0, और जो पॉइंट है हमारे पास वो क्या है, नहीं, लाइन की इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस 3y माइनस ऑफ 7 इक्वल 0 है, और पॉइंट हमारे पास है 3.8, ठीक है। चलिए, और ऑप्शन इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन देख लो यहाँ पर a b c और d। ए ऑप्शन है वो है माइनस 1, -4, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है हमारे पास 3.4, सी ऑप्शन क्या है हमारे पास 1.2, और डी ऑप्शन क्या है -1, -4, सेकंड है -3, -8, -3, -8, थर्ड है 1, -4, एंड फोर्थ है हमारे पास 3.8, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर हम इन्हें इमेज पॉइंट कैलकुलेट करना है इस पॉइंट का, तो पहले समझ लो यहां पर ये जो लाइन गिवन है इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू माइनस 1/3 x प्लस 7/3, y को साइड करके हमने इसको ऐसे कर लिया, तो y इक्वल mx + c की लाइन बन गई, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे m और c पॉजिटिव है, ठीक है, सो m नेगेटिव c पॉजिटिव है ना, तो डेफिनेटली इसका जो ग्राफ जाएगा m नेगेटिव है और c पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो c की वैल्यू है वो कितनी है 7/3, तो ये वाली जो लेंथ आएगी ये हमारे पास 7/3 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में अब हमें ये देखना कि x पर कितना इंटरसेप्ट होगा, तो उसके लिए हमें इसमें y बराबर 0 करना पड़ेगा, तो इसमें हमने y 0 किया तो x की वैल्यू 7 आ गई, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया 7.0, ठीक है, तो ये हमारी लाइन बन गई। अब जो गिवन पॉइंट है हमारे पास वो क्या है 3.8, तो x में 3 तो डेफिनेटली 7 के पहले ही जाएगा, और y पर 8 तो ये इसके ऊपर जाएगा, तो जो पॉइंट आएगा वो सपोज दैट यहाँ पर कहीं आ गया, है ना, 3.8, देखना जरा इसको, ठीक है। अब जो इमेज पॉइंट की हम बात करेंगे तो वो डेफिनेटली लाइन के इस तरफ ही बनेगा, पीछे साइड तो आएगा नहीं, तो इमेज पॉइंट बनाने के लिए हमने यहां से इस परपेंडिकुलर डाला और इस परपेंडिकुलर लाइन पर ही कहीं इमेज पॉइंट होगा, है ना, और कहीं तो जा नहीं सकता, अब लाइन के इस तरफ तो बनेगा नहीं, तो अब देखो यहां पर जो भी इमेज पॉइंट आएगा वो तो इस क्वाड्रेंट में होगा या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, क्लियर है। अब अगर बेटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करा तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए एक्स नेगेटिव होना चाहिए और वाई पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, तो एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव को कोई भी ऑप्शन इसमें है नहीं, ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में इमेज पॉइंट तो होगा नहीं कभी, अच्छा नन ऑफ दीज ऑप्शन में है नहीं कि हम सोचे कि नहीं हो सकता सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो, ठीक है। तो अब हम आते थर्ड क्वाड्रेंट पे, तो थर्ड के लिए दोनों नेगेटिव होने चाहिए, तो या तो ये वाला पॉइंट इमेज पॉइंट होगा या तो ये वाला इमेज पॉइंट होगा, क्योंकि इसमें दोनों नेगेटिव है। अब अगर हमारे पास दो ऑप्शन आ गए -1, -4, या तो ये इमेज पॉइंट है या फिर -3, -8 इमेज पॉइंट है, तो अब कौन सा ऑप्शन सही करे, है ना, तो कंफ्यूजन अगर है हमारे पास तो हम क्या सोच सकते हैं कि अच्छा ये गिवन पॉइंट हो गया, ये इमेज पॉइंट हो गया, तो इन दोनों का मिड पॉइंट भी तो होगा मेडल पॉइंट या पूटा परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये जो परपेंडिकुलर होगा वो डेफिनेटली इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा जो गिवन इक्वेशन होगी, तो हमने क्या किया 3.8 और इस पॉइंट को हमने पहले ले लिया, तो -1, -4, तो इसका मिड पॉइंट निकाला, तो क्या होगा x1 + 2, तो 3 - 1/2, तो 2/2, तो 1, 1, 8 - 4, सो 4, 4/2, तो 2, तो 1, 2 हमारे पास मिड पॉइंट आ गया इसके कोऑर्डिनेट। अगर ये 1, 2 इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो करके देखते हैं, तो इसमें रखो तो 1 + 3 × 2 - 7 = 0, तो ये हो गया 7 - 7 = 0, तो आ गया 0 = 0, तो इसका मतलब -1, -4 करेक्ट हो गया। अगर इस पॉइंट को लेते फिर मिड पॉइंट निकालेंगे, ठीक है, तो जो पॉइंट आएगा वो कभी भी लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम क्वेश्चन को कर रहे हैं,
इस उसके थ्रू कर रहे हैं तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि जो बड़ा सा फॉर्मूला था एच माइनस अल्फा बाई ए वाला, वो आपको लर्न करने की नीड नहीं है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इसी में आता है, फूट ऑफ परपेंडिकुलर का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास फूट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए है, कहता है फूट ऑफ द क्वाड्रेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 2.4 इस पॉइंट का हमें फूट ऑफ किस लाइन पर बताना है, वो है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 1, और ऑप्शन है हमारे पास 4 ए बी सी डी। तो ए ऑप्शन क्या है हमारे पास 1/2, 3/2, बी ऑप्शन है हमारे पास -1/2, 3/2, सी ऑप्शन है हमारे पास 4/3, 1/2, फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास 3/4, -1/2। जरा सोचो यहां पर, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमें करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि हम h माइनस अल्फा अपॉन ए इक्वल के माइनस बीटा अपॉन में बी इक्वल ऐसे वाला फॉर्मूला लगा लें, ठीक है, उसे तो आप कर सकते हैं। हम इसको ग्राफ से कैसे करते हैं, तो अगर इस लाइन को देखो तो फूट ऑफ परपेंडिकुलर की जो y इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ x प्लस 1, ठीक है। तो m निगेटिव है और c पॉजिटिव है, m निगेटिव है और c पॉजिटिव है। तो सोच के देखो y इक्वल माइनस ऑफ x प्लस 1 जो हमारे पास लिखा हुआ है, तो अगर m निगेटिव c पॉजिटिव तो डेफिनेटली फर्स्ट क्वाड्रेंट से कहीं पास हो रही होगी, ठीक है। अब जो पॉइंट है हमारे पास वो कितना है, 2.4 है ना, तो ये सपोज है कि यहां पर हो गया 2.4, तो इसका जो फूट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा यहां पर नहीं आएगा, तो जो फूट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, तो वो डेफिनेटली इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। और इसकी इक्वेशन है क्या हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 1, है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि अब देखो फूट ऑफ परपेंडिकुलर अगर या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, मे बी फोर्थ में भी हो सकता है, हाँ। तो अब हम क्या करते हैं, 1/1 जो भी चार ऑप्शन थे, जो कि यही आएगा h कॉमा k हमारे पास, है ना, तो h कॉमा k तो चार ऑप्शन होंगे हमारे पास, ठीक है, जो कि जो मैं कैलकुलेट करना था। तो अब इन चारों ऑप्शन को हमने 1/1 रख करके देखना स्टार्ट किया, सो 1/2 प्लस 3 और 3/2 को हमने इसमें पुट किया, तो 1/2 प्लस 3/2 तो 2 हो जाएगा इधर और इधर 1, तो ये तो अनसेटिस्फाई हो गया, सो ए ऑप्शन इनकरेक्ट है। -1/2 और प्लस 3/2 इक्वल 1, सो 1 इक्वल 1, है ना, 1 इक्वल 2 एलसीएम आ जाएगा, सो 2/2 दैट इज 1, सो 1 इक्वल 1, तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, इसका करेक्ट हो गया। तो इस तरीके हम क्या कर सकते हैं, फूट ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं इसी में। क्वेश्चन कह रहा है कि द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ 4, -13, ठीक है, इन द लाइन 5x + y + 6 = 0, ठीक है, या आपकी जो डीपीपी है उस डीपीपी का क्वेश्चन नंबर है 7, ठीक है, कैसे करेंगे देखो ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 4, -13, पॉइंट क्या हमारे पास 4, -13, ठीक है, और लाइन की इक्वेशन क्या है हमारे पास 5x + y + 16 = 0, ये लाइन है और ये पॉइंट है, ठीक है। अब इसका पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन हमको बताना है, ऑप्शन है हमारे पास 4, फिर से वही ऑप्शन है, कौन कौन से हैं, ए बी सी डी। ए ऑप्शन क्या है हमारे पास -1, -14, बी ऑप्शन क्या है हमारे पास 3, 4, सी ऑप्शन क्या है 1, 2, और डी ऑप्शन क्या है -4, 13। तो सबसे पहले हम ग्राफ से इसको करेंगे, ठीक है, हमारे पास फॉर्मूले से तो आप कर सकते हो। ग्राफ से कैसे करना है देखो, यहां से अगर इस ग्राफ को हम देखें तो ये बनेगा y = -5x - 16, तो m निगेटिव c निगेटिव, तो इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट से कहीं पास हो रहा होगा कुछ ऐसे, ठीक है, तो ये बन गया y = -5x - 16, क्लियर है इतनी बात, ओके। नाउ अब जो पॉइंट है हमारे पास वो 4, -13 है, मतलब x पॉजिटिव y निगेटिव, ठीक है, x पॉजिटिव y निगेटिव, x पॉजिटिव है y निगेटिव है, तो डेफिनेटली कहीं यहां पर आएगा 4, -13, x पर 4 y पर -13, सो ये वाला पॉइंट कितना है, ये वाली लेंथ देखना पड़ेगा हमको कि लाइन की इस तरफ है या उस तरफ है। तो हमारे पास जो पॉइंट है वो लाइन थी, ये कितना हो जाएगा -16, हाँ, तो ये लेंथ हमारे पास -16 है, मतलब ये 0, -16 वाला पॉइंट है, तो -13 नहीं ऊपर ही होगा, है ना, ये हमारे पास हो गया कुछ पॉइंट, सपोज दैट दिस इज द 4, -13। अब बेटा इसकी अगर हम इमेज पॉइंट की बात करेंगे तो इमेज पॉइंट तो परपेंडिकुलर लाइन पर ही कहीं लाई करेगा, यहां पर कहीं,
देखो ये लाइन कहां कहां से पास हो रही है। अब इस लाइन के इस सब इमेज पॉइंट कभी बनेगा नहीं, जो भी इमेज पॉइंट आएगा वो हमेशा कहां पर आएगा, ठीक है, इस लाइन के इस तरफ आएगा, है ना। तो यहां पर ये कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो कहीं सपोज दैट यहां पर जो भी वैल्यू आएगी नेगेटिव कॉमा नेगेटिव टाइप की होगी। अब ऐसा कौन कौन से ऑप्शन में, देखो दो में है एक ही में, तो हमें पता चला कि सिर्फ एक में ही ऐसा है, ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें अगर नन ऑफ दीज होता तो हम कैलकुलेट करते, पर हमको पता है कि नन ऑफ दीज नहीं है, या फिर अगर दो नेगेटिव नेगेटिव वाले ऑप्शन होते तो भी हम मिड पॉइंट निकाल के फिर उसको चेक करते। बट अगर आपको चेक करना है कि क्या है सच में इसका इमेज पॉइंट है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये हो गया -1, -14, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालो, तो 4 -1 तो कितना हो गया 3/2, -13 और ये -14 तो -27/2। तो इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, इस लाइन पर रख लो, ठीक है, ये डेफिनेटली क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो ये हमारे पास क्या हो गया, इमेज पॉइंट हो गया, वैसे तो ये आपका करेक्ट आंसर, क्लियर। तो इस तरीके से इमेज पॉइंट और फूट ऑफ परपेंडिकुलर के क्या करते हैं, चार ऑप्शन को 1/1 लाइन पर रखते चले जाओ, ठीक है, जो पॉइंट सेटिस्फाई कर जाए दैट विल बी द फूट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये हमारा था एक टॉपिक। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचता है, कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइंस, मतलब तीन लाइन की इक्वेशन गिवन होगी और वो कंकरेंट है या नहीं है ये हमको चेक करना होता है, ठीक है। तो कंकरेंसी के लिए हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेक्चर तो समझ लो कंकरेंसी का मतलब क्या है। सपोज दैट हमारे पास बेटा तीन लाइन है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 और a3x + b3y + c3 = 0। अब अगर ये तीन की तीनों लाइन कंकरेंट है, ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू अगर 0 है तो वो तीन लाइन कंकरेंट होगी। कंकरेंट का मतलब होता है संगामी, दैट मीन कि अगर दो लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो उसी पॉइंट से तीसरी लाइन भी अगर पास हो जाती है देन वी विल से कि ये तीनों लाइन कैसी है, कंकरेंट है, ठीक है, या हिंदी बोलते संगामी। बात समझ आ गई, तो ये तो कंडीशन होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम, तो क्वेश्चन करने के लिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइन के। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज कंकरेंट विद द लाइन दिस, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा दूसरे टाइप का है, ठीक है, इसके पहले हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 7x - 8y + 5 = 0, दूसरी लाइन हमारे पास 3x - 4y + 5 = 0 और तीसरी लाइन हमारे पास 4x + 5y + k = 0, ठीक है। तो इसके डिटरमिनेंट हम बना लेते हैं यहां पर 7 - 8 = 5, ठीक है, 3 - 4 = 5, 4, 5 और ये k, ठीक है। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को हम कर देते हैं 0, क्योंकि इसने बोला है कंकरेंट है तो k की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 1/1 करके किसी भी रो या किसी भी एक कॉलम से हम ओपन कर लेते हैं। सपोज हमने इससे ओपन किया, ठीक है, तो इस हम रो से ओपन कर रहे हैं, 7 ये ऐसे आएगी, ये ऐसे आएगी, हो जाएगा -4k, ठीक है, -25 + 8 हो गया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ठीक है। तो ये बेटा 3k - 20 + 5 ये छूटेगा, ये छूटेगा 15 + 16 = 0। अब इसको आप बेटा सिंप्लीफाई कर लो, यहां से क्या मिल जाएगा, k की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो एक प्रोसेस हो गया, एक तरीके क्वेश्चन हो गया। एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन भी आता है जो कि सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन ही था, उसको कैसे सॉल्व करना है, क्या अप्रोच हो सकती है हमारी, वो हम देखेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, दो लाइन की इक्वेशन गिवन है, पहली लाइन है हमारे पास 3x + 4y + 6 = 0, सेकेंड लाइन है हमारे पास 6x + 5y + 9 = 0, दो लाइन है, कह रहा है कि नीचे चार ऑप्शन गिवन है, a b c d, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 2x + 3y + 6 = 0, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 2x + 3y + 5, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारे पास 3x + 3y + 5 = 0, थर्ड ऑप्शन हमारे पास 7x + 9y + 3 = 0 और फोर्थ है नन ऑफ दीज। कह रहा है कि ये दो लाइन है, इन दोनों लाइन के कंकरेंट होने वाली वो तीसरी लाइन कौन सी है, अगर उसको हम ले लें तो तीनों लाइन कंकरेंट हो जाए, ठीक है।
तो अब अगर हमारे पास तीन लाइन ऑप्शन में हो गई और दो लाइन हमारे पास गिवन है, तो उन तीन में से कोई एक लाइन ऐसी सेलेक्ट करनी जो इससे कंकरेंट हो जाए। तो अब अगर हम डिटरमिनेंट वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि हमारे पास क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, कि हम वन बाई वन करके लाइन लेंगे, तीनों की डिटरमिनेंट निकाल के देखें, अगर जीरो है तो कंकरेंट होगा, है ना। तो हम दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या लगाते हैं इस कॉन्सेप्ट को, अगर ये लाइन हम देखें ये लाइन देखें, तो इन दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो डेफिनेटली तीसरी लाइन को सेटिस्फाई करेगा, और जिस लाइन को सेटिस्फाई करेगा वो कंकरेंट हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद इन तीनों ऑप्शन में बैठ करके सेटिस्फाई करा लें, ठीक है। जिस पर सेटिस्फाई हो जाएगा वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करेंगे, हमने क्या किया इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा, तो 6x हो गया, ये आपका 8y हो गया, और ये आपका 12 हो गया, ठीक है। हमने सबट्रैक्ट कर दिया माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, 8 माइनस 5 ये हो गया 3y, और इधर हो जाएगा ये आपका प्लस 3 इक्वल्स टू 0, सो y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1। अब y की जो वैल्यू माइनस 1 आई है वो किसी भी एक लाइन पर रख दो, सपोज हमने इसी पर रख दिया, तो ये माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस 5 और ये 4, तो कितना बचा 9 माइनस 5 कितना 4, तो 6x इक्वल 4 प्लस 6x प्लस 4 इक्वल 0, तो x इक्वल आ गया माइनस 4 बाय 6, तो कितना आ गया माइनस 2 बाय 3, x की वैल्यू क्या आ गई 2 बाय 3, तो पॉइंट हमारे पास क्या बन गया माइनस 2 बाय 3 कॉमा माइनस 1। अब इस पॉइंट को आप इसमें सेटिस्फाई करा, ठीक है। तो देखते हैं, तो किस पे रखें, सपोज फर्स्ट ऑप्शन में रखते हैं पहले, तो क्या बनेगा 2 इंटू माइनस 2 बाय 3, ठीक है, एंड प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 5, तो ये कभी जीरो नहीं हो सकता, है ना, तो ये अनसेटिस्फाई हो गया। सेकंड में रखते हैं एक बार, 3x प्लस 3y, दोनों में 3 3 करके, हाँ 3x प्लस 3y, तो 3 इंटू x की वैल्यू माइनस 2 बाई 3, ठीक है, प्लस 3y है तो प्लस 3 इंटू माइनस 1, ठीक है, एंड प्लस 5 इक्वल 0, ठीक है, ये कट गया माइनस 2 माइनस 3, तो माइनस 5 प्लस 5 इक्वल 0, तो ये 0 इक्वल टू 0, है ना। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन हो गया वो करेक्ट हो गया, ठीक है। वैसे भी तुम सोच सकते हो कि यहाँ पे बाई 3 लगा है, तो अगर ये सारी लीनियर है, अगर इनको 0 करना है, क्योंकि किसी में भी कॉन्स्टेंट टर्म या कोई अदर कोई मतलब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन टाइप की कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू नहीं गिवन थी, तो जब तक ये 3 कैंसिल नहीं होगा तब तक जाकर के हमारे पास वो वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो यहाँ पर 3 किस में था, वो केवल और केवल बी में था या फिर सी में था, तो ए ऑप्शन में भी था लेकिन वो एक्स के साथ नहीं था, है ना, तो इसलिए हमने बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता था। पॉसिबिलिटी थी कि सबसे पहले हम बी को ही चेक कर लें, ये नहीं कह रहा कि वो वही करेक्ट हो सकता था, मे बी ऐसा चांस था कि इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा थी, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमने वन बाय वन करके स्ट्रेट लाइन के सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए विद एग्जांपल, और जो प्रैक्टिस जो भी हमने जो क्वेश्चन किए एग्जांपल के लिए आपकी सीट से ही किए, ठीक है। आप क्या करेंगे, डीपीपी जो हमने दे रखी है आपको लिंक में, वहां से आप डाउनलोड करके, ठीक है, वो प्रैक्टिस कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन नहीं आते कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप उसको जो है वहां पर पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन जरूर दिया जाएगा, ठीक है, ओके।